सोने में मिलावट करने वालों से सतर्क रहिए। सोने में मिलावट करने वालों से सतर्क रहिए। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक और आज मैं आप लोगों को सोने में मिलावट करने वाली की खबर आपने तो सुना ही होगा, पर इसी से मिलता जुलता खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। थाने के अलग अलग जिलों में ज्वेलर्स लोग सोने में मिलावट कर रहे हैं, इसी पर जांच बैठी और सोने में जो मिलावट कर रहे थे वो हुए गिरफ्तार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थाने के अलग अलग जिलों में, जैसे कि खडोली है, वाशी है, शाहपुर है, फड़गे है, थाने में ऐसे काफ़ी ज़िले हैं जिस पर सोने में लोखंड मिलाने का काम ऐसे राजेंद्र ज्वेलर्स कर रहे हैं। उदाहरण पर मैं आप लोगों को ये वीडियो को पेश कर रहा हूँ। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझेगा और एक स्पष्ट चित्र मिलेगा कि ये ज्वेलर्स किस तरह से सोने में लोखंड मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। माझी विनंती अशी होती, ह्याला पण तोडून आहेत ना, पण हा एक मिनिट तोडून बसू, माहित पडेल किती लोखंड आहे का मला माहित पडलं पण तो असं मला का तोडून झालं गे तोडून फायदा काय नाही, आपलं माहित कसं पडणार, आम्ही नाही तोडणार, नाही असं नाही, म्हणजे आपण तुमच्या समोर तोडतो किती वजन मला चांगल्या माणसाची त्यामध्ये गरिबांची किती फसवणूक करत असेल, नाही 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 संजय एवढी ऍक्च्युअली माझ्या ते व्यापारीच्या पेमेंट वरून बाकी आहे, मी त्याला पेमेंट पण द्या पैसे तुम्ही घेतलेत आम्हाला त्याचे घेणार नाही, त्याशी बोला आज बँकेत मला नाही जवळी वस्तू पाठवलं त्याला मी जोडलेत आता किती लोकांचं गेलं सगळी लोक येतील, फेसबुकला जेव्हा जाईल ना तो सगळी येतील, मी मला वाटतं जिंदगीमध्ये मला पहिल्यांदा मला माहित पडेल सपस मी काय होतो तू 1 लाखाला तुझ्याकडे वस्तू ठेवली, व्याज किती घेतो 15% तुझा अख्खा मला हिसाब दाखवा लागला, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसलिए हम कह रहे हैं आपको, महाराष्ट्र बंधु आपसे कह रहा है कि सतर्क रहिए ऐसे ज्वेलर्स लोगों से जो सोने में लोखंड मिलाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। थाने के हर एक जिलों में जिस तरह से ये ज्वेलर्स लोग काम कर रहे हैं, सतर्क रहिए। कोई भी ज्वेलर्स के दुकान में आप जाओगे तो जाँच कीजिए और फिर खरीदारी कीजिए, हमारा विनती है ऐसे ग्राहकों से, और बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ।